आप मन चिंतन लेती है। आप जब जब से ज्वाइन की हुई है तब से मन चिंतन खूबसूरत चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मजा आता है। आप जुड़ते रहिए और हमेशा बने रहिए हमारे साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा मुझे आपका बोलना देती, मैं खुद ही कब बोलता हूँ, मैं ज्यादा जुड़ता हूँ फिर निकल जाता हूँ, फिर जुड़ता हूँ फिर निकल जाता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आने से खूबसूरती बढ़ी है, बट इस खूबसूरती में अंकुर तो है ही नहीं चार चांद लगाने के लिए, वो तो पता नहीं आता ही नहीं है। मतलब मैं ये सोचती थी अंकुर आप किंग है, मैं क्वीन हूँ, तो आपका भी आना जरूरी रहता ना, बट आप आते नहीं हो तो मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मतलब अधूरापन लगता है आपके बिना। पता है अंकुर आप आते हो ना तो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट आ जाता तो अच्छा लगता है। आप आते रहा करो, आप पता नहीं क्यों नहीं आते हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके पास भी रीजंस हैं, अपने जेन्युइन रीजंस हैं। आपकी जॉब है, अभी आपकी शादी होने वाली है, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, थोड़े संजीदा हो गए हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपसे। मैं तो सबसे बोलती हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट बोलिए कि मजा भी आए, और बस कभी कभी तो चलता है। आप जो बोलते हो तो बोलते बहुत बढ़िया हो, ये बात तो मतलब माननी पड़ेगी, और मैं सच कह रही हूँ, तहे दिल से बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो। बस जब किसी का भी ज्यादा हो जाता है ना, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो दीप सर क्यों ना हो, जब किसी का ज्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है बस यार दूसरों को भी मौका दो बोलने का, बस सिर्फ ये बात है। अब आप बताओ इसमें आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? आप मुझे बोल रही है क्या? हाँ मैंने कुछ गलत किया क्या? अगर मैं सबको बोलती हूँ कि थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए, नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसीलिए आप डाउन है, इसीलिए आप डाउन है। आप आपके अंदर एक खूबी है कि आप जो है जब देखती हूँ मंच पे कोई ज्यादा बोल रहा है ना तो आप जो है तुरंत रोक देती है। थैंक यू उसके लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसलिए आप डाउन है।